राजा भरत बड़े ही प्रतापी राजा थे, भगवान के भक्त, सूझबूझ से, ईमानदारी से, सच्चे मन से, भक्ति की भावना से वे राजकाज संभालते। कुछ समय बाद जब एक अच्छी खासी उम्र हो गई, तब उन्होंने अपने राजकाज को, अपने बच्चों को संभाल कर वे वन की ओर चले गए। पूजा पाठ करते अब एक दिन वन में वे स्नान कर रहे थे, एक नदी में वे स्नान कर रहे थे। अब नदी के एक तरफ एक मृगों का समूह था। मृग यानी मृग किसे कहते हैं? हिरण। तो वहां पर मृगों का एक समूह था, उसमें एक मृग मादा थी जो गर्भवती थी। अचानक सिंह की गर्जना होती है, तो जितने भी मृग थे वहां पर, वो सब छलांग लगाकर नदी के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई। अब छलांग लगाई तो उसके गर्भ से वो बालक नीचे गिर गए नदी में। नदी में गिरते ही उस बालक को तो राजा ने पकड़ लिया। मृग मादा की मृत्यु हो गई। अब उस मृग बालक को वो अपने साथ अपनी कुटिया लेकर आ गए। दिन भर उसे अपने पास रखते, दिन भर सो रहे हैं तो वो पास में, उठ रहे हैं तो वो पास में, भोजन कर रहे हैं तो वो पास में, स्नान कर रहे हैं तो वो पास में, पूजा कर रहे हैं तो वो पास में। अब महाराज 24 घंटा अगर किसी के साथ रहो तो मोह पड़ जाना स्वाभाविक है, मनुष्य स्वभाव है ये। अगर आप 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे तो उसमें आपका मोह पड़ जाना स्वाभाविक है। तो मोह पड़ गया। अब हर वक्त उन्हें मृग बालक चाहिए, हर समय। एक दिन पूजा की तैयारी कर रहे थे वो कुटिया के अंदर, मृग बालक बाहर खेल रहा था, वहां पर एक मृगों का समूह आया, अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ चला गया। अब पूजा की तैयारी करने के बाद भरत जी बाहर आते हैं, तो मृग बालक नहीं है, अब वो हर जगह ढूंढ रहे हैं, मेरा मृग बालक कहाँ गया, कहीं मन नहीं लग रहा, पूजा में मन नहीं लग रहा, भोजन में मन नहीं लग रहा। अंत समय सबका आता है, अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहाँ है। कहते अंत समय में जिसका नाम मुख में हो वही योनि मिलती है, इसलिए कहते भगवान का नाम लेना चाहिए। कहते तो है पर जल्दी से भगवान का नाम मुख में आता नहीं, मोह माया में पड़े हुए होते हैं। तो उनके मुख में मृग बालक का नाम आया, दूसरी योनि उन्हें मृग की प्राप्त हुई। लेकिन उन्होंने अपने राजकाज में इतने पुण्य किए थे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उन्हें सब याद था। तो मृग योनि में वो सही समय पर स्नान करते, सही समय पर उठते, मन ही मन भगवान का जाप करते, तो दूसरी योनि उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई।